नमस्कार दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में आए दिन विभिन्न प्रकार के अपराध हमें देखने पढ़ने को मिलते हैं। ऐसे अनेक अपराध होते हैं जो प्रॉपर्टी के खिलाफ होते हैं, और आज वर्तमान में व्यक्ति इतना स्वार्थी हो चुका है, इतना लालची हो चुका है कि वह प्रॉपर्टी से संबंधित अनेक अपराध करता है। इन अपराधों में सबसे ज्यादा दो महत्वपूर्ण अपराध हैं, वो हैं धोखाधड़ी और दूसरा है जालसाजी, जिसे हम कूट रचना कहते हैं। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि धोखाधड़ी और जालसाजी एक ही होता है, यानी चीटिंग जिसे हम फ्रॉड भी कहते हैं, जो फ्रॉड है, और फॉर्जरी, क्या दोनों एक होती है कि दोनों में अंतर होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड फॉर्जरी, यानी आज हम लोग कवर करेंगे छल और कूट रचना में अंतर, जिसे उर्दू भाषा में धोखाधड़ी और जालसाजी भी कहा जाता है। तो इन दोनों टर्म में जो कन्फ्यूजन्स हैं, उन कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल लॉ इजी में, और इस लीगल प्लेटफॉर्म में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम लोग कवर करेंगे फ्रॉड एंड फॉर्जरी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन प्रेजेंट इरा, यानी वर्तमान युग में आए दिन ये समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि बैंक फ्रॉड हो गया, लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गई, किसी व्यक्ति ने फॉर्जरी कर दी, कूट रचना कर दी। तो इन दोनों को कई लोग एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों अपराध अलग अलग होते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है, ये दोनों अपराध संपत्ति को लेकर किए जाते हैं। तो ये संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराध है। यदि हम भारतीय दंड संहिता को देखें, हमारे देश का जो दांडिक कानून है, उसकी 415 में फ्रॉड को यानी छल को डिफाइन किया गया है। और यदि हम फॉर्जरी को देखें तो फॉर्जरी 463 में, यानी 463 में फॉर्जरी यानी जालसाजी को परिभाषित किया गया है। तो प्रेजेंट डेरा में इट इज वेरी कॉमन ऑफेंसेस, दोनों अपराध जो हैं बहुत ही कॉमन है, बोथ आर वेरी कॉमन ऑफेंसेस, फ्रिक्वेंटली ये समाज में होते रहते हैं। और ये दोनों अपराध जो हैं संपत्ति के विरुद्ध अपराध माने जाते हैं। बोथ आर कंसिडर्ड ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी मॉनिटरी गेन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जो अपराध किए जाते हैं, धन प्राप्त करने के लिए, किसी की संपत्ति हड़पने के लिए, ये दोनों अपराध होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रॉड को समझते हैं। फ्रॉड को हिंदी में छल और उर्दू में से धोखा या तो धोखाधड़ी कहा जाता है। डिसेप्शन फॉर मॉनिटरी गेन, तो इसमें एक व्यक्ति जो है डिसेप्शन करता है। यहां पर डिसेप्शन को हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है कोई बेईमानी पूर्वक आशय से कुछ ऐसा बताता है जो कि सही नहीं है, जो असत्य को सत्य करके बताता है या सत्य को असत्य करके बताता है, और उसका उद्देश्य होता है मॉनिटरी गेन प्राप्त करना, यानी धनीय लाभ प्राप्त करना, सदोष लाभ लेना, रॉन्गफुल गेन लेना और सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस कर देना। ये आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। आजकल इंटरनेट अपराध में आइडेंटिटी थेफ्ट भी होते हैं, ओटीपी मंगवा देते हैं और ओटीपी मंगवा के बैंक फ्रॉड कर दिया जाता है, आपके अकाउंट में से पैसा चला जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कोई व्यक्ति पर्सोनेशन करता है, पर्सोनेशन को प्रतिरूपेण कहते हैं, कि जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति इंस्पेक्टर नहीं है लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर बनकर कुछ पैसे की वसूली कर रहा है, फूड इंस्पेक्टर बनकर रेस्टोरेंट या होटल से जाके पैसे ले आता है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर बनकर फैक्ट्री वालों से डिसेप्शन करता है और उधर से पैसे ले लेता है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, बैंक फ्रॉड हो गया, बैंक में गबन, टैक्स फ्रॉड हो गया, टैक्स के झूठे टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करना, इलेक्शन फ्रॉड हो गया, इलेक्शन में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियां करना। तो ये सब छल के उदाहरण है, यानी फ्रॉड के उदाहरण है। इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, इसमें बेईमानी पूर्वक आशय होना चाहिए, व्यक्ति इंटेंशनली कर रहा है और उसका आशय बेईमानी पूर्वक है। और ये इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति भी कर सकता है या ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है। कई बार रियल इस्टेट फ्रॉड होते हैं, यानी पूरी कंपनी जो है, जैसे कोई रियल इस्टेट फ्रॉड यानी कोई कंपनी के द्वारा ही इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड कर दिया जाता है। कई बार कोई रियल इस्टेट की जो कंपनी है वो प्लॉट के नाम पर लोगों से पैसे ले लेती है और पैसे उन्हें नहीं देती, प्लॉट नहीं देती। तो ये सब छल के उदाहरण होते हैं। अब हम यदि फॉर्जरी की बात करें तो फॉर्जरी को जालसाजी कहा जाता है। जालसाजी इज द उर्दू वर्ड, और इसे हिंदी में कूट रचना कहा जाता है। तो जालसाजी जो है 463 आईपीसी में डिफाइन किया हुआ है, क्रिएटिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज की, थिंग की, दस्तावेज की, वस्तु की एग्जैक्ट कॉपी बनाना, हूबहू ऐसी कॉपी बनाना। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति 2000 का नोट हूबहू वैसा ही छाप देता है या उसकी कलर कॉपी कर देता है, तो उससे फ्रॉड होना संभव है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति एग्जैक्ट कॉपी बना देता है, एग्जैक्ट नकल करता है, हूबहू उसका उसकी कॉपी बना देता है जिससे फ्रॉड हो सकता है, तो उसको फॉर्जरी कहा जाता है। तो क्रिएटिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंटेंशन ऑफ डिसीविंग अनादर,
और उसका इंटेंशन होता है, वो कॉपी इसलिए बनाई गई है, उसकी नकल इसलिए की गई है ताकि अन्य व्यक्ति को डिसीव किया जाए, यानी धोखा दिया जा सके। नकली रजिस्ट्री बना देना, नकली बिल बुक बना देना, नकली रिसिप्ट बना देना, नकली फेक मार्कशीट बना देना, नकली सर्टिफिकेट्स बना देना, झूठे दस्तावेज तैयार कर देना, नकली सील कर देना, गलत साइन कर देना, दूसरे की सिग्नेचर कर देना, ये सब बातें कूट रचना के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, यानी दस्तावेज भी हो सकता है, कोई स्टेटिस्टिक्स भी हो सकते हैं, कोई मैप नक्शा भी हो सकता है, कोई पेंटिंग भी हो सकती है, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट है जो नकली है, जो कि फेक है और जो गलत है, जिसको हूबहू असली जैसा बनाया गया है और जिससे डिसीव हो सकता है, जिससे फ्रॉड हो सकता है, इस पूरे घटनाक्रम को कूट रचना कहा जाता है। इसी कोई फॉर्जरी, इसी कोई जालसाजी कहा जा सकता है। तो हम यदि इन दोनों में बेसिक अंतर देखें तो इन दो बातों से हमको अंतर समझ में आएगा कि जो फॉर्जरी होती है इट इज अ फॉर्म ऑफ फ्रॉड, यानी फ्रॉड का ही एक पार्ट होती है। तो जो फॉर्जरी है इसका स्कोप फ्रॉड की तुलना में छोटा है, फ्रॉड का जो दायरा है वो बहुत ही विस्तृत है। तो सभी प्रकार की जो फॉर्जरी होती है वो फ्रॉड होती है, लेकिन सभी प्रकार का फ्रॉड फॉर्जरी नहीं होता है। तो हम इसको डिफरेंस में ही कहते हैं कि फॉर्जरी इज द फॉर्म ऑफ द फ्रॉड, यानी फॉर्जरी जो कूट रचना है ये धोखाधड़ी का ही एक रूप हो सकता है। यदि ये पेड़ है, फ्रॉड यदि पेड़ है तो ये उसकी डगाली है, मतलब एक ब्रांच है। और दूसरी बात हम कहेंगे फॉर्जरी इज मेथड यूज फॉर द फ्रॉड, यानी फ्रॉड करने के लिए जो मेथड उपयोग की जाती है, यानी धोखाधड़ी करने के लिए जो प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है, उस प्रक्रिया का नाम ही फॉर्जरी है, दैट इज कॉल्ड फॉर्जरी, कूट रचना। तो कूट रचना जो है फ्रॉड करने के लिए की जाती है। तो ये है मित्रों फ्रॉड और फॉर्जरी में अंतर, जालसाजी और धोखाधड़ी में अंतर, और इसी को हम छल और कूट रचना में अंतर भी कह सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।